क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा है कि फाइंड एक्स जब दिया है लॉग ई एक्स स्क्वायर प्लस वन। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकता, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है तो अगर इसमें तुम नेगेटिव रखो तो भी वो पॉजिटिव कर देगा, तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। देयरफोर जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन है वो ग्रेटर देन वन होगा। यहाँ से हमें क्या पता चला कि एक्स स्क्वायर प्लस वन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, फिर चाहे एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ हो, यानी कि एक्स की ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। देखो यहाँ पे हमें ये कंडीशन दी है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, है ना, यहाँ पे एन की वैल्यूज वन से लेके फोर तक के बीच में है। एन नेचुरल नंबर है तो अपन लेंगे वन टू थ्री फोर। अब यहाँ पे वन के साथ इक्वल साइन नहीं है तो हम वन की वैल्यू क्या नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तो एन की वैल्यूज़ कौन कौन सी लेंगे, वन नहीं ले सकते, टू थ्री एंड फोर, तीन वैल्यू जब अपन इस टू एन में पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेंगी फोर सिक्स एट। तो कार्डिनल नंबर आखिरकार होता क्या है, कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, थ्री। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें हमें ए में कुछ एलिमेंट्स दिए हैं और बी में कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, फिर हमें बताना है कि ए यूनियन बी क्या होगा और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। देखो ए यूनियन बी क्या होता है कि ए में जितने भी एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो यानी कि दोनों के एलिमेंट सब मिला जुला करके कितने होते हैं, तो हमने लिख दिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो कॉमन हो दोनों में। तो यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं, यहाँ वन टू थ्री और यहाँ पे फोर फाइव सिक्स सेवन है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारा फाइव। अब क्वेश्चन नंबर फोर में देखो, क्वेश्चन नंबर फोर में अपन को ए सेट दिया है और बी सेट दिया है, है ना। बी सेट हम निकाल लेंगे वन इलेवन से लेस देन है, मतलब इलेवन नहीं लेना है, यानी कि वन से लेके इलेवन सारे नेचुरल नंबर हैं। अब इक्विवेलेंट सेट की कंडीशन क्या होती है कि उनका कार्डिनल नंबर सेम हो, तो कार्डिनल नंबर इसके टेन एलिमेंट्स इसके टेन एलिमेंट दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है। इक्वल सेट की कंडीशन क्या होती है, कार्डिनल नंबर भी सेम हो और उनके एलिमेंट भी सेम हो, तो एलिमेंट भी सेम है और कार्डिनल नंबर भी सेम है, तो अपना इक्वल सेट भी और इक्विवेलेंट भी। देखो यार क्वेश्चन नंबर फाइव की बात कर रहे हैं, इसमें हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो और हमें बताना है कि एक्स क्या होगा। तो देखो मुझे सबसे पहले इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, तो मैं ए प्लस बी ए माइनस बी लिख लूँगी ग्रेटर देन जीरो। तो इसको लिख लो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं, एक वन लिखेंगे एक माइनस वन लिखेंगे, वन से आगे प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब हमें क्या बोला है, दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमारी एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस वन तक, इंक्लूडिंग क्योंकि इक्वल्स टू दिया है, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन होता है, यूनियन वन से लेकर के इन्फिनिटी तक। और वन पर क्या होगा, देखो अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की, इसमें क्या दिया है हमें, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैंने ए को लिख लिया, तो ए में क्या आ जाएगा, हमारे ए के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, मैथमेटिक्स के जो लेटर हैं उनको मैंने लिख लिया। और बी में क्या दिया है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो बी में क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, अब हमसे पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो अब देखो मुझे यहाँ पे कॉमन क्या क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है मुझे कॉमन, एम दिख रहा है मुझे कॉमन, ई दिख रहा है मुझे कॉमन और मुझे दिख रहा है कॉमन टी। तो यानी कि क्या हो गए, एम टी ई और आई, इनको हम कर्ली ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे जो कि हमारे हो गए कॉमन एलिमेंट। देखो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में हमको दो रिवर दी हुई हैं, एक यमुना और एक गंगा। यमुना का बोला है जो दो पॉइंट से पास कर रही है और जो गंगा है वो 135 डिग्री का एंगल बना रही है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, और बोला है कि यतिन वांट्स टू क्रॉस द रिवर विच हैज़ पॉजिटिव स्लोप। अगर हम इसकी बात करें तो हम टू पॉइंट फॉर्म से इसकी स्लोप निकाल सकते हैं, वो क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये क्या हो जाएगा, 4 अपॉन माइनस टू, जो हो जाएगा माइनस टू इसकी स्लोप। और अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 45 डिग्री, और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, यानी कि टेन 45 डिग्री, तो इसका स्लोप हो जाएगा हमारा 1। अब देखो गंगा का स्लोप आ रहा है 1 और यमुना का स्लोप है माइनस टू, और यतिन को पॉजिटिव वाली स्लोप क्रॉस करनी है,
पॉजिटिव जिसका स्लोप होगा वो वाली रिवर क्रॉस करनी है, तो वो यतिन रिवर क्रॉस करेगा गंगा को। देखो क्वेश्चन 7 की बात कर रहे हैं, इसमें हमें दो रिवर दी हुई है, एक यमुना दी हुई है और एक गंगा दी हुई है। बोला है कि यमुना 3.0 और 1.4 से पास कर रही है और गंगा 135 डिग्री का एंगल बना रही है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। और बोला है कि यतिन को रिवर क्रॉस करनी है जिसका पॉजिटिव स्लोप होगा। अब देखो यमुना की बात करें तो 2-point स्लोप फॉर्म से हम इसकी स्लोप निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला होता है हमारा y2 - y1 / x2 - x1, जिसको हम यहाँ यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 0 / 1 - 3 / 4 - 2, तो इसकी स्लोप हो जाएगी हमारी -2। अब अगर हम गंगा की बात करें, ये 135 डिग्री का एंगल नेगेटिव एक्स एक्सिस से बना रही है, तो पॉजिटिव से कितने का बनाएगी 45 डिग्री का, और स्लोप हमारा क्या होता है टेन थीटा होता है, तो 10 45 डिग्री क्या हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1। और यतिन को वो वाली रिवर क्रॉस करनी है जिसका पॉजिटिव स्लोप होगा, तो पॉजिटिव स्लोप किसका है वो है गंगा का, तो यतिन गंगा रिवर को क्रॉस करेगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया है एक्स प्लस 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 के बराबर है। तो देखो यार अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 क्या होगा 7। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड देखना है, अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर खोलें तो ये कब कब 7 कब देगा, जब ये 7 से बड़ा होगा और 8 के बीच में होगा, तो हमने ऐसे लिख लिया। तो हमारी x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -2 से लेकर के -1 के बीच में, तो x बिलोंग्स टू होगा -2 इंक्लूडिंग एंड -1 ओपन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, इसमें दिया है 3x - 5 x + 7 > 3x - 5, जहाँ पर x नेचुरल नंबर है और हमें ये सॉल्व करना है इनइक्वालिटी। तो हम क्या करते हैं इसमें एक तरफ लेकर के जाते हैं इसको, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2x - 12, ये हो जाएगा x - 6 < 0, यानी कि हटाओ। क्वेश्चन 9, इसमें हमको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है जहाँ पर x बोला है नेचुरल नंबर होगा। हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त क्या करते हैं एक तरफ ले करके जाते हैं, वही हमने किया, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2x - 12 > 0, x - 6 < 0, फिर हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है -∞ से 6, पर हमको नेचुरल नंबर लेना है, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर क्या होंगे 1 2 3 4 5, यानी जो हमारी x की वैल्यूज होंगी वो ये हो जाएंगे। यार देखो 10th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हमें एक सेट ए दिया हुआ है और हमसे चार बातें पूछी गई हैं कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो अगर हमें देखा जाए तो हमें एक जो लॉजिक पता होना चाहिए वो ये कि कोई भी सेट जो होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, और एलिमेंट्स जो होते हैं मेरे वो मेरे बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नल सेट दिया हुआ है, नल सेट मेरा हर सेट का सबसेट होता है, यानी ये बात मेरी सही है। इसकी बात करें तो ये मुझे एक एलिमेंट ए में दिख रहा है, यानी बिलोंग टू का साइन आ सकता है, मतलब ये बात भी सही है। नल सेट बात करें हमारे इस एलिमेंट का एक एलिमेंट है, मतलब ये बात भी सही है। और अगर फोर्थ पार्ट की बात करें यानी कि 1.2, ये जो है इसमें एक एलिमेंट 1 है एक एलिमेंट 2 है, यानी इससे एक सेट बनता है, तो ये जो है हमारा सबसेट होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, ए का फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 3 = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 - 7.16। अब देखो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 7 होगा। अब देखो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 3 7 दिया हुआ है, तो x - 3 हमारा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है 7 इंक्लूडिंग से लेकर के ये 8 तक हो सकता है। तो जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x 10 से लेकर के 11 तक, और 10 पर होगा वो इंक्लूडिंग और 11th पर नॉट इंक्लूडिंग x बिलोंग्स टू।
सेकेंड पार्ट में हमें दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7.16। पर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर होता है, यानी कि वो 7.16 नहीं हो सकता, यानी कि ये फॉल्स हो गया। तो जो हमारा x बिलोंग करेगा वो 5 को बिलोंग करेगा। इस क्वेश्चन में हमें डोमेन ऑफ x बताना है। अब देखो यहाँ पर e दिया हुआ है। e क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि इसका बेस पॉजिटिव है। और लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर जो लिखा है वे ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। अब हम इसको देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा मुझे दिख रहा है, ये 13 का स्क्वायर होता है। तो हम लिख लेंगे x प्लस 13, x माइनस 13, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। अब हमें इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, माइनस 13, 13, प्लस माइनस प्लस, यानी x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस 13 तक, यूनियन 13 से लेकर के इनफाइनाइट तक। इस क्वेश्चन में देखो हमें दिया है लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 144 और बेस में है x माइनस 3। तो जो हमारा बेस है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता, और जो ऊपर लिखा है वो भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो हमने इधर पे देखो मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या किया, ए माइनस बी, ए प्लस बी, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। फिर नंबर लाइन पे मैंने माइनस 12 लिख लिया। और हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है x की, तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 12, यूनियन 12 से इन्फिनिटी। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो बेस है वो भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी कि x जो है वो 3 से बड़ा होगा, तो x बिलोंग करेगा 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक। और x माइनस 3 कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि x क्या नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। फिर जब हम इस ओवरऑल इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा x बिलोंग करेगा 12 से इनफाइनाइट माइनस 4। देखो पहले कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो होता है, मान के चलो x कोई गिवन सेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब x को छोड़ के जितना भी नंबर्स है वो क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि यहाँ पे x गिवन है, x क्या है, ऑड नंबर्स, तो x अपन को अब ऑड नहीं लेना, तो अब बचा कौन सा, इवन। तो x में अब आप क्या आंसर लोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x इज इवन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालते हो तो वो आपको मिलेगी 2। तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूँ इस सेट का, तो मुझे क्या नहीं लेना, 2 नहीं लेना, बाकी सारे नंबर है ना। तो आंसर क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x डज नॉट इक्वल टू। सिमिलरली इन थर्ड क्वेश्चन, जैसे अब x है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अब अपन को x के वो नंबर लेने हैं जो डिविजिबल नहीं हो बाय 5 एंड 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये सेट का है, क्या है, प्राइम नंबर्स का। तो प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी सारे कौन से नंबर होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर है ना। तो इसका आंसर है आपका कॉम्पोजिट नंबर। देखो यार, 13th क्वेश्चन में एक नदी दी हुई है R1, जो कि पास कर रही है 9.7 और 7.3 से, और एक ब्रांच ऑफ ट्री दी है जो कि 135 डिग्री एंगल बना रही है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। अब हमसे पूछा है कि उस ब्रांच का और उस रिवर के बीच में कितना एंगल होगा। तो सबसे पहले हम देखें कि रिवर में जो रिवर का स्लोप क्या है। तो हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया, y2 - y1 / x2 - x1। तो यहाँ से क्या आया, 3 - 7 / 7 - 9, तो ये हो जाएगा हमारा -4 - 2, जो कि हो जाएगा 2। अब देखो, अगर हम पेड़ की बात करें तो वो 135 डिग्री एंगल बना रहा है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, तो पॉजिटिव से कितना बनाएगा, 45। क्या किया हमने, अल्टीमेटली किया 10 180 डिग्री - 135 डिग्री, जो कि स्लोप होता है हमारा। तो ये आ गया हमारा 10 45 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। अब देखो, इन दोनों के बीच में हमने पढ़ा है कि एंगल क्या होता है, 10 थीटा का फॉर्मूला ये होता है m1 - m2 / 1 + m1 - m2। ये 10 थीटा है उस ब्रांच ऑफ ट्री और उस रिवर के बीच में एंगल। तो ये देखो, m1 की जगह हमने 1 रखा, m2 की जगह मैंने 2 रखा, और फिर ये क्या किया है, 1 और ये 2 मॉड के साथ में, तो ये हो जाएगा हमारा -1/3। पर ये मॉड लगा हुआ है तो 10 थीटा आ रहा है हमारा 1/3, थीटा विल बी इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1/3,
दिस इज द एंगल जो कि वो ट्री की ब्रांच उस रिवर के साथ में बनाएगी। सबसे इस क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है लॉग के अंदर जो भी लिखा होता है रामलाल वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो हम उसी से आगे बढ़ेंगे। लॉग ऑफ 1/3 एक्स माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन यहाँ पर यह होनी चाहिए कि एक्स माइनस 5 ये जो है वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी यहाँ से जो निकल के आता है वो है एक्स ग्रेटर देन 5। यहाँ से जो हमारे पास निकल के आता है वो है एक्स माइनस 5 शुड बी लेस देन, सो एक्स इज लेस देन 6। नाउ जो हमारा मेन क्वेश्चन है हम उस पर आगे आते हैं। यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1/3 एक्स माइनस 5 शुड बी लेस देन 1। अब यहाँ पर जो हमारे पास बेस है 1/3 वो 1 से छोटा है, इसलिए ये प्रॉपर्टी पलट जाएगी, यानी x माइनस 5 यहाँ पर साइन इंटरचेंज हो जाएगा ग्रेटर देन 1/3, तो x विल बी ग्रेटर देन 16/3। लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन में हम आगे करते हैं। लॉग ऑफ 3 एक्स प्लस 2 शुड बी, सिंस यहाँ पर जो हमारे पास बेस है 1/2 वो 1 से छोटा है, तो यहाँ पर साइन इंटरचेंज हो जाएगा ग्रेटर देन 1/2। अब हमारे पास ये जो बेस है 3 वो 1 से बड़ा है, तो x प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन 3 की पावर 1/2 और x ग्रेटर देन √3 माइनस 2। इसी ये हमारे पास आ गया, इसको हम देते हैं 1 नाम। फिर हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के अंदर जो भी लिखा होता है रामलाल वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो लॉग ऑफ 3 x प्लस 2 शुड बी पॉजिटिव, मीन्स x शुड प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 1, यानी x शुड बी ग्रेटर देन माइनस 1। और साथ ही साथ में x प्लस 2 भी रामलाल की तरह है log 3 के लिए, तो ये भी x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन माइनस 2। अब हम इन तीनों का लेंगे इंटरसेक्शन, माइनस 2 माइनस 1 √3 माइनस 2। ये फर्स्ट जो इक्वेशन है वो बोलती है ये होना चाहिए ग्रेटर देन √3 माइनस 2, ये बोलता है ये माइनस 2 से बड़ा होना चाहिए, और ये बोलता है ये माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए। वो चीज़ जो तीनों में कॉमन है वो है ये, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x ग्रेटर देन √3 माइनस 2, और वी कैन से x बिलोंग्स टू √3 माइनस 2 से इन्फिनिटी। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें लॉग में लॉग दिया हुआ है जो कि लेस देन 0 है, और हमें x की वैल्यूज बतानी है कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। अगर देखो हम इस अंदर वाले पार्ट को m मान लें तो ये क्या हो जाएगा, log 2m इज़ लेस देन 0, और अगर बेस हमारा 0 से 1 के बीच में होता है तो x विल बी, साइन हमारा चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जो अंदर वाला पार्ट है उसको लिख लिया log 1/3 x माइनस 5 विल बी लेस देन 2 की पावर 0 जो कि 1 हो जाएगा। फिर x माइनस 5 1/3 जब इधर जाएगा तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा जो कि हो जाएगा x माइनस 5 इज़ ग्रेटर देन 1/3, तो x विल बी 1/3 प्लस 5, x विल बी ग्रेटर देन 16/3। और हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर log ए एक्स इज लेस देन 0 है तो x जो है वह पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि log 1/3 x माइनस 5 विल बी ग्रेटर देन 0 होगा। और क्या होगा, ये x माइनस 5 है ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ से आया x माइनस 5 इज लेस देन 1, x इज लेस देन 6, और यहाँ से आया x इज ग्रेटर देन 5। तो जब हम इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा 5 से लेकर के 6 तक। इस क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो हमें दो इनइक्वालिटी दी हैं जिनका हम इंटरसेक्शन लेंगे। सबसे पहले हम इन इनइक्वालिटी को अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो जब आप फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो इसमें डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, यानी x जो है मेरा वो -9 और -10 नहीं हो सकता। फिर आप जो इवन पावर्स हैं उनको फैक्टर्स को इग्नोर करके बाकी सारे पॉइंट्स को आप नंबर लाइन पर लिख लें, यानी -4 और -10 को मैंने नंबर लाइन पर लिख लिया, इनको मैंने जोड़ा, प्लस से शुरू किया, फिर माइनस, फिर प्लस साइन दिया। ग्रेटर का साउंड है इसलिए मैं क्या लूँगा, प्लस वाले, यानी मेरा x क्या बिलोंग करेगा, -∞ से -10 यूनियन -4 से इन्फाइनइट। -10 हो नहीं सकता इसलिए ओपन, -∞ इन्फाइनइट पर हमेशा ओपन आता है, और -4 पर क्लोज आएगा। अब हमें एक चीज़ देखनी होती है जो हमने फैक्टर्स इग्नोर करे थे क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो क्या ये फैक्टर्स हमारे इसमें आ रहे हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, 3 जो है मेरा इनइक्वालिटी का पार्ट है और 7 है मेरा वो भी इनइक्वालिटी का पार्ट है, यानी दोनों आ रहे हैं, तो हमें इसके बाद कुछ नहीं लेना।
भाई हम दूसरी इनइक्वालिटी को पास की बात करें तो हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये आंसर आएगा। इसके बाद जब हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो सबसे पहले हमें सारे पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा, फिर तो उसके अकॉर्डिंग आप शेड करेंगे, तो जो कॉमन पार्ट आएगा वो आएगा मेरा माइनस फोर्टीन से टेन माइनस टेन, जो कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसी में जब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं क्वेश्चन में, तो हमें इस तरह की एक इनइक्वालिटी दी है जिसमें तीन पार्ट है, तो इसको आप दो पार्ट में तोड़ लें, यानी किस तरह से, एक पार्ट मैंने ये लिया और एक पार्ट मैंने ये लिया। जब इनको मैंने लिया फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप इधर उठा लाओ, एलसीएम लो, तो जो आपकी अल्टीमेटली बात बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। इसको जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपकी एक्स जो बिलोंग करेगा वो करेगा -7/12 से इनफाइनाइट, और जो इस वाले पार्ट को सॉल्व करने पर बनेगा वो बनेगा -∞ से -23/90। अगेन हमें इनका इंटरसेक्शन लेना होगा, हम इंटरसेक्शन लेने पे हमें पता चल रहा है कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं आ रहा, यानी जो मेरा फाइनल आंसर है वो हो जाएगा नल सेट। देखो इस क्वेश्चन में हमें y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 4 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 7 का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो पॉइंट्स हैं उनको हम नंबर लाइन पे लिख लेंगे 1 -4 -7। अब देखो अब हम माइनस 7 से कम की बात, तो वो हमेशा क्या, मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर हम माइनस 7 से कम देखें तो नेगेटिव आएगा, तो उसमें एक मॉड में नेगेटिव का साइन लगा देंगे ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। तो सब मॉड को हम नेगेटिव 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 खोलेंगे, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -3x - 10। अब देखो अब हम बात करेंगे जब x -7 से -4 के बीच में होगा। अब देखो -7 से ज़्यादा है यानी कि उसमें हमें माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर बाकी दोनों में माइनस साइन लगाना पड़ेगा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, तो y इज इक्वल्स टू -x + 4 आ जाएगा। अब केस थर्ड में हम बात करेंगे जब x -4 से 1 के बीच में होगा। इस केस में क्या होगा, -7 से तो ज़्यादा है तो वो भी पॉजिटिव खुलेगा, -4 से ज़्यादा है तो वो भी पॉजिटिव खुलेगा, पर 1 से छोटा है तो उसमें नेगेटिव साइन से मॉड को खोलना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू x + 12। अब हम बात करेंगे जब x ग्रेटर देन 1 होगा तब सभी पॉजिटिव वैल्यू देंगे मॉड की, तो हम उसको पॉजिटिवली खोलेंगे, तो आ जाएगा x - 1 + x + 4 + x + 7 y इज इक्वल्स टू 3x + 10। और हमने क्या किया, इन सभी केसेस को लिख लिया। अब हम इसे नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, हमने पहले पॉइंट्स प्लॉट कर लिए -7 -4 0 1। अब देखो 1 से अगर हम आगे की बात करें तो क्या आ रहा है हमारा 3x + 10, एक आध कोई पॉइंट मान लो 2 माना मैंने, 2 3 6 + 10 16, यानी ये 13 से ऊपर होगा कहीं, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। अगर हम 1 पर इसकी वैल्यू रखें तो ये 13 देगा, और अगर हम 0 रखें इसमें, 0 किस केस में आएगा हमारा -4 से लेकर के 1 तक, अगर हम यहाँ 0 रखें तो ये क्या आएगा 12, यानी 0 से 1 के बीच में ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा। और -4 अगर हम यहाँ पर रखें इस जगह पे तो ये आ जाएगा हमारा 8, तो -4 से लेकर के 0 तक कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। फिर हम बात कर रहे हैं -7 से लेकर के -4 तक, तो हमने -7 यहाँ पे पुट किया जो कि आएगा हमारा +7 हो जाएगा ये +4, यानी कि वो 12 वैल्यू देगा, और जब -4 रखेंगे तो वो 8 देगा। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो कुछ ग्राफ ऐसा होगा। -7 के पीछे की यदि हम बात करें तो अगर हम यहाँ -7 रखें तो वो कुछ हो जाएगा हमारा 21 - 10 समथिंग, कुछ 13 से ज़्यादा होगा, तो ये ग्राफ कुछ ऊपर की तरफ बन जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में हमें y इज इक्वल्स टू log e mod x का ग्राफ बताना है, तो ये जो ग्राफ है वो हमारा log e x का है, पर यहाँ पर मॉड दिया हुआ है, यानी अगर हम नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो भी वो उसे पॉजिटिव कर देगा क्योंकि मॉड लगा हुआ, तो क्या होगा, ये y एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज बन जाएगी, जैसा इधर है वैसा इधर हो जाएगा, तो ये ग्राफ हो जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू log e mod x का। इस क्वेश्चन में हमें log x का ग्राफ बताना है जब बेस 0 से 1 के बीच में हो और 1 से ज़्यादा हो। यदि हम 0 से 1 के बीच में उसका बेस रखेंगे तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, पर जब हम बेस 1 से ज़्यादा रखेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह होगा जो कि इंक्रीजिंग है। यार देखो जो पहला क्वेश्चन है हमसे पूछा है या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो अगर हम इसकी बात करें तो log 5 टू द बेस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यानी कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। 5 पे ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, क्यों, ये छत हमारी ऊपर है ना कि नीचे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली जब बेस 1/3 है तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जब आप इसमें 7 रखते हैं इनपुट की जगह तो जो छत है वो नीचे की तरफ है, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें हमें ऊपर और नीचे दोनों की वैल्यूज चेक करनी पड़ेगी।
दोनों का जो ग्राफ है वो मेरा कुछ इस तरह का आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला। जब आप x की जगह 5 और 112 रखते हैं, छत ऊपर की तरफ दिखती है, यानी दोनों मेरे पॉजिटिव है। यदि न्यूमरेटर में भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव है, यानी जो मेरा फाइनली आंसर होना है वो क्या होना है, पॉजिटिव। अगले की बात करें हम तो हमारे जो बाकी के तीन क्वेश्चन हैं, ये जो है हमारा बिल्कुल फर्स्ट वाले जैसा, हमारी छत ऊपर की तरफ है यानी पॉजिटिव। इसकी बात करें ग्राफ कुछ ऐसा ज़्यादा है, 1/7 मेरा 1 से कम होगा, यानी छत तो ऊपर की तरफ है मतलब पॉजिटिव। इसकी बात करें तो ग्राफ मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला रहेगा, लेकिन क्योंकि 1/11 1 से कम है, यानी मेरा ग्राफ है वो हो जाएगा नेगेटिव। देखो यार, इस क्वेश्चन में दिया है log 1/7 log 1/6 x माइनस 8 इज लेस देन 0। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये 1/7 क्या है, 0 से 1 के बीच में। जब ऐसा होता है तो जब ये इधर जाता है तो हमारा साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, और ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। देखो यार, इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये जो अंदर एक और लॉग दिया है इसको मैंने मान लिया कुछ m। अब ये क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, 1/7 m दिस इज लेस देन 0। जब हमारा बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो साइन हमारा चेंज हो जाता है और ये इधर जा कर के कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि m जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, और m शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मैंने m जो माना है वो मैं ऐसे कुछ लिख लूँगी, ऐसा ही मुझे इधर करना है, log 1/6 x माइनस 8 दिस विल बी ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पर ये भी जो x माइनस 8 है इसको भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जो x सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखो 1/6 क्या है, 0 और 1 के बीच में है, यानी यहाँ पर भी साइन चेंज होगा। x माइनस 8 विल बी लेस देन ऑफ 1/6, x विल बी लेस देन ऑफ 1/6 प्लस 8, x इज लेस देन ऑफ 49/6। अब यहाँ पर देखो x माइनस 8 जो होगा वो लेस देन ऑफ होगा 1/6 की पावर 0। ये लेस साइन इसलिए चेंज हुआ क्योंकि बेस हमारा 0 से 1 के बीच में है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x इज लेस देन ऑफ 1+8 दैट इज 9। यहाँ से यदि हम देखें तो x हमारा ग्रेटर देन 8 होगा। अब x की हमें वैल्यूज देखनी है जो तीनों को सेटिस्फाई करें। ये बोल रहा है कि 8 से ज़्यादा होना चाहिए, ये कह रहा है कि 9 से कम होना चाहिए, और ये हमारा कुछ 8 पॉइंट समथिंग हो, यानी कि इसके हिसाब से x शुड बी लेस देन ऑफ 8 पॉइंट समथिंग समथिंग, यानी कि हमारा कुछ आंसर ये आ जाएगा, 8 से लेकर के 49/6 तक हमारा x बिलोंग करेगा। देखो यार, इस क्वेश्चन के अब हम बी पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी हमें कुछ ऐसे ही करना है। मैंने अंदर वाला जो लॉग है उसको मैंने कुछ m मान लिया। अब देखो log 7m जो कि लेस देन 0 है, अब देखो बेस हमारा 1 से ज़्यादा है, यानी साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 0 दैट इज़ log 1/9 x प्लस 3 विल बी लेस देन ऑफ 1, एंड जो m है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो उसको हमने कुछ ऐसा लिख लिया। अगर हम इस अंदर वाले को देखें तो ये भी तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड तो हमारा x वही बिलोंग करेगा जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब हम इधर देखते हैं, जो बेस है हमारा वो 0 से 1 के बीच में है, तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/9 की पावर 1 दैट विल बी 1/9, x will be greater than of 1/9 minus 3, x will be greater than of 1 minus 27/9। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बेस हमारा 0 और 1 के बीच में है, तो साइन चेंज होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये x plus 3 will be less than of 1, 1/9 की पावर 0 that will be 1, x will be less than of minus 2, और यहाँ पर यदि हम देखें तो x हमारा minus 3 से ज़्यादा होगा। अब देखो यार, ये x will be greater than of minus 26/9। अब हम इन तीनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, तो सबसे पहले मैंने -2 लिख लिया, ये हमारा क्या होगा -2 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ होगा, तो यहाँ पे लिख लो -26/9, और यहाँ हमारा कुछ -3 होगा। ये कह रहा है -3 से ज़्यादा होना चाहिए, इनके हिसाब से -2 से कम होना चाहिए, और इनके हिसाब से -26/9 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यदि हम इन तीनों का इंटरसेक्शन देखें तो एक्स हमारा बिलोंग करेगा -26/9 से लेकर के -2 तक। क्वेश्चन नंबर 17 के और पार्ट की बात करें तो सेट्स का लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, यानी इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्वेश्चन की ब्रीफिंग करना आनी चाहिए। देखा जाए तो एक ग्रुप की बात है जिसमें कि दो तरीके की लैंग्वेज की बात है, एक हिंदी और एक इंग्लिश।
हिंदी को मैंने एच से और इंग्लिश को मैंने ई से रिप्रेजेंट किया। ऐसे लोग जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं वो मुझे दिए हुए हैं 22, और ऐसे लोग जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं वो मुझे दिए हुए हैं 12। ग्रुप कितना है 45 स्टूडेंट्स का, यानी ये मेरा हो जाएगा एच यूनियन ई जो कि है 45। अब मुझसे पूछा गया ऐसे कितने लोग हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश एंड इंग्लिश यानी दोनों चीज़ें बोलते हैं। अब ये जो है क्वेश्चन वेन डायग्राम से होगा, आप एक वेन डायग्राम बना लो, एक इसमें हिंदी को और एक इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा। ओनली एच मेरा 22 है यानी सिर्फ ये वाला पार्ट, इंटरसेक्शन मैंने एक्स मान लिया और ये वाला जो पार्ट है वो है मेरा 12। इन तीनों का यदि आप सम करते हैं तो मुझे एच यूनियन ई मिलता है। आप सम करें यानी 34 प्लस एक्स जो है वो मेरा हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई। 34 प्लस एक्स यानी हो जाएगा मेरा 45, मेरी एक्स की जो आ जाएगी वो आएगी वैल्यू 11। यानी कि टोटल 11 ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं मेरे, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा था कि आपको इनकी ब्रीफिंग आनी चाहिए, मैं फिर से ब्रीफिंग करता हूँ। टोटल पॉपुलेशन दी है मुझे वो है मेरी 5000। टी को मैंने रिप्रेजेंट किया टाइम्स ऑफ इंडिया जो दो न्यूज़पेपर की बात है, और आई को मैंने किया इंडियन एक्सप्रेस से रिप्रेजेंट। यानी कि जो मेरे लोग मुझे दिया है जो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं वो हैं 2800, और जो लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं वो हैं मेरे 2300। और ऐसे लोग जो कि दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं वो दिए हैं मेरे 400। आप एक वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करें, ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है टीचर पर और इससे हमारा आंसर भी चेक हो जाता है। तो ये जो है मेरा पार्ट बीच वाला वो है 400, 2800 ये पूरा है, इसमें से 400 माइनस करो आप तो आएगा 2400। सिमिलरली ये आ जाएगा मेरा 1900। नेक्स्ट जो है वो हमें निकालना होता है टी यूनियन आई, जो कि मेरा हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन आई। इसको आप कैलकुलेट करें, ये होगा 2800 प्लस 2300 माइनस 400, यानी ये जो है वो मेरा हो जाएगा 5100 माइनस 400 यानी कि 4700। तो ऐसे लोग जो या तो टाइम्स ऑफ इंडिया या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं वो हैं मेरे 4700। हमें पता होता है जो मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन आई होता है वो होता है टोटल माइनस नन, ये फार्मूला सर ने आपको क्लास में बताया होगा। तो ये जो है वो है 4700 इक्वल होगा मेरा टोटल यानी कि 5000 माइनस नन। तो जो मेरे नन यानी कि जो कोई भी नहीं पढ़ते हैं वो मेरे आ जाएंगे 300, यानी जो फाइनल मेरा आंसर है वो है 300 ऐसे लोग हैं जो कि ना ही टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं ना ही इंडियन एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 17 के और पार्ट की बात करें तो सेट्स का लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, यानी इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्वेश्चन की ब्रीफिंग करना आनी चाहिए। देखा जाए तो एक ग्रुप की बात है जिसमें कि दो तरीके की लैंग्वेज की बात है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। हिंदी को मैंने एच से और इंग्लिश को मैंने ई से रिप्रेजेंट किया। ऐसे लोग जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं वो मुझे दिए हुए हैं 22, और ऐसे लोग जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं वो मुझे दिए हुए हैं 12। ग्रुप कितना है 45 स्टूडेंट्स का, यानी ये मेरा हो जाएगा एच यूनियन ई जो कि है 45। अब मुझसे पूछा गया ऐसे कितने लोग हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश एंड इंग्लिश यानी दोनों चीज़ें बोलते हैं। अब ये जो है क्वेश्चन वेन डायग्राम से होगा, आप एक वेन डायग्राम बना लो, एक इसमें हिंदी को और एक इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा। ओनली एच मेरा 22 है यानी सिर्फ ये वाला पार्ट, इंटरसेक्शन मैंने एक्स मान लिया और ये वाला जो पार्ट है वो है मेरा 12। इन तीनों का यदि आप सम करते हैं तो मुझे एच यूनियन ई मिलता है। आप सम करें यानी 34 प्लस एक्स जो है वो मेरा हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई। 34 प्लस एक्स यानी हो जाएगा मेरा 45, मेरी एक्स की जो आ जाएगी वो आएगी वैल्यू 11। यानी कि टोटल 11 ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं।